ये लग चुकी है कान्हू जी की ताली, तो देखो जरा कितनी क्यूट है। बाना जी का आज है पहला मंगलवार का फास्ट। लीलो ताहि मधुर फल जानू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए व्लॉग में। यू आर वॉचिंग प्रियांक आर्य। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक व्लॉग्स में बने रहने के लिए। आज है हमारा मंगलवार का व्रत। बाहर कोहरा नजर आ रहा है, धूप का नामो निशान नहीं है। बीच में अगर धूप आई तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं जाकर धूप सेकूं। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। रोज असल में होता ही है कि मीनू इनको उठा के चली जाती है कान्हा जी को, और बैठा के चली जाती है, और सागर इनको नहला देता है। आज क्या हुआ कि मीनू ऑफिस के लिए फर्स्ट डे गई इस वाले घर से, और कहती कि इन कान्हा जी को उठा देना और मैं जा रही हूँ। उठने को तैयार नहीं भाई, अगला बंदा चेन ही नहीं खुल रही है। कब से ट्राई कर रहे हैं, कब से बहुत देर से ट्राई कर रहे हैं, चेन ही नहीं खुल रही है भाई। कुछ है ही नहीं, बस वो खुल नहीं रही है। अब भाई को नींद आ रही है या फिर ये लग रहा है कि भाई क्यों मुझे उठा के नहीं गई। यहाँ देखो कुछ भी नहीं है भाई, गिठा कुछ नहीं है यहाँ पे। ये देखो उस चेन को हमने ढंग से देख लिया, वहाँ कुछ नहीं है जो रोके इस चेन को खुलने से। नॉर्मल है वो। इसको ऐसे करें, एक सेकंड करके देख। नहीं खुल रही भाई। क्या सीन है बताओ, चेन नहीं खुल रही, व्हाट टू डू। कुछ नहीं है, पीछे भी कुछ नहीं है, हर जगह से सही है। क्या रोक रहा है? कुछ ऐसा है कि भैया क्यों नहला मुझे उठा के क्यों नहीं गई। गुस्सा हो रहा है भाई, गुस्सा है भाई। सारे तिगड़म देख लिए भाई, हमने कुछ भी नहीं है इसमें यार। अब आप ही उठा देना भाई, तो धूप चला के जा रहा हूँ। फिर नहीं उठे तो मीनू को पूछना। अरे मैं मीनू हूँ। खुल गई आधे घंटे से खोल रहे हैं। मान गया बंदा, मान गया, कह रहा चलो तुम्हारी मेरे मतलब कुछ है तो नहीं। माँ की कसम, ये भी बहुत देर से ट्राई कर रहा है, मैं भी बहुत देर से ट्राई कर रहा हूँ। चेन में कुछ दिक्कत नहीं है, प्रॉपर नॉर्मल चेन है, जैसी है वैसी। हर दांत उसका वैसे ही फंसा, एक भी दांत टेढ़ा नहीं, सारे दांत ऐसे फंसे हुए। इसने खुलते ना ऐसे जाना था, बस ये खुल नहीं रहा था। मैंने बोला अरे मैं मीनू हूँ। मीनू यार, मीनू चली गई ऑफिस। मीनू तेरे चक्कर में नहीं खुल रहा था भाई, चल अब नहला दे। चलो बहुत तेज भाई, बहुत तेज। मतलब बस कुछ ऐसी चीजें जो आपके साथ घटती है जब आपके साथ ये होते हैं, तो कुछ ना कुछ करते हैं भाई। What is this? सब मोड़ मार के सब देख लिया, टेढ़ा कर दिया, ऐसे कर दिया, सब कर दिया। वो वहां पे तो अटक ही रहा था, किसी का बाप भी नहीं निकाल सकता था वहां से। और कितनी छोटी चेन, हल्की सी चेन है, और बहुत पतली चेन है, नॉर्मल। ऐसा लग रहा था किसी ने पकड़ी हुई है, और मैंने बोला अरे मैं मीनू हूँ, और मक्खन की तरह ऊपर आ गई। वो यार कैसे हो सकता है यार। ये लड़का भी निकल गया, अब नहाते हैं। पहली बार मैंने इनके व्रत लिए हैं, और मैं अभी हनुमान चालीसा का पाठ करके हटा हूँ, एंड इट वॉज वेरी 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 इमोशनल। बस मैं इतना ही कहूँगा इस बारे में, एंड आई फेल्ट रियल गुड। अभी भी पाठ करके हटा हूँ जस्ट। चलो बस, मतलब बहुत अच्छा महसूस हो रहा है चालीसा पढ़ने के बाद। अब हम जा रहे हैं पड़ोस के हनुमान मंदिर में। Oh,
क्या ही बताएं कि मतलब इजहार करना मुश्किल है, कैसे कहें, क्या कहें, क्या कह दें जो डिफरेंट हो। गर्म पानी लेकर हम भी जाएंगे छत में, पर आज का एक्सपीरियंस सच में मेरा बहुत ब्लिसफुल रहा, वन ऑफ द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ सीरियसली। ये टीका टेढ़ा लग गया ना, मैं नहीं लगा रहा। मैं इतना ज्यादा भक्ति में नहीं था पहले, अभी भी मुझे लगता है मैं इतना नहीं हूं, पर समझ में आना बहुत जरूरी है कि आप क्या कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो। अगर वो समझ में आ जाए तो क्या धूप आई है। असल में मैं जो है डायरी करने लगा हूँ रोज, मैंने पिछला दिन कैसे जिया और क्या क्या किया, इससे मुझे अगले दिन क्या नहीं करना है उसकी सूचना मिल जाती। तो आई लाइक डूइंग इट नाउ। कुछ एक्ट्रेस जुटाएंगे क्योंकि कल अपन एक शूट पे रहेंगे फिर से, तो वो कास्टिंग करनी बाकी है, देखो कौन लड़के होते हैं। तो आलू अपन ने उबाले डाले, पहला व्रत है, मैं खुद से ऐसे चाह रहा हूँ कि कोई गलती ना हो मुझसे। लेट्स डू इट। ऑफिस से पहला दिन था मेरा कि मैं यहाँ नए घर से अपने ऑफिस गई। सुबह तो मुझे रिक्शा ही नहीं मिल रहा था भाई, पर ई रिक्शा मिला, ई रिक्शा नहीं आया तो मैं रिक्शे में गई। और बाना जी का आज है पहला मंगलवार का फास्ट, उन्होंने डिसाइड किया है कि आज वो खुद ही बनाएंगे प्रसाद, बना रहे हैं। और ये जो पूरियाँ हैं ये है पितरों के लिए, हनुमान जी के लिए और कानू जी के लिए। तो क्या क्या बनाया आपने? बस सब कुछ है यहाँ पर, बस नमक नहीं डाला गया है खाने में। हाँ, क्योंकि आज नमक नहीं खाते ना, तो मैंने पीकू को बोला कि तू इन तीनों के लिए बना दे, बाकी हम तीनों के लिए मैं बना दूंगी। साग पीकू ने बनाया खुद से, नमक वाला वो नहीं खाएगा, बाकी पीकू को देके हम लोग उसमें नमक डाल देंगे। नहीं नहीं मैं बना रही, पर पीकू आज थोड़ा शांत सा है। हनुमान चालीसा का जप कर रहा है बनाते बनाते भी। और हमारे कानू को देखो जरा, आज तो स्वीट डिश, आज तो बिल्कुल ही स्वीट डिश लग रहे। ये मैं उनके लिए कल लेके आई थी। हाँ, उनको भी बिना नमक का ही दे दे, खा लोगे? छोटा लग रहा है, ये देखो मुंह तो लग रहा है थोड़ा सा छोटा। सुनो मेरी बात, पर ग्लोइंग है, टेस्टी टेस्टी। ये लग चुकी है कानू जी की ताली, तो देखो जरा कितनी क्यूट है। ये पड़ रही है ऊपर से तुलसी, ऊपर भी कानू जी। ऐ गचड़ू ये मीनू कह रही है कि अब तेरी आवाज कैसे खुली, सुबह से मेरी आवाज नहीं खुली हुई थी और मैं बहुत साइलेंट भी था, सारे दिन भर मैं जाप ही कर रहा था, पता है मुझे नहीं पता कि कितनी बार किया होगा। ब्लिसफुल, अति भयंकर। आज दिन भर मामला बहुत शांत रहा। मैं अपना सच बता रहा हूँ तुम लोगों को, मैं व्रत रखने की कोशिश करने वाला था इसीलिए कि मैं फिजिकली इस साल फिट रहने की कोशिश कर रहा था। तो मैं सोच रहा था कि सबसे पहले फास्टिंग शुरू करता हूँ, बट मैंने मंगलवार के ही व्रत पता नहीं क्यों चुने और दो हफ्ते पहले चुन लिए थे मैंने, एंड मैं बता नहीं सकता कि कितना बढ़िया था ये। फिजिकल
लाभ के लिए मैं ले रहा था, कुछ और ही लाभ मिल गया, कुछ और ही लाभ हो गया आज, मैं समझ सकता हूँ आपका इतना ही बता सकता हूँ मैं। चलो भाई अब सोते हैं, एंड अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। क्रिएटर को सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन का बटन दबाइएगा, उसके अलग मजे हैं गारंटेड फन। और अगर आप इस चैनल में नए तो वो बेल आइकन दबाइए, क्योंकि आ जाओ भाई।